हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके फ्रिज की हिंजेस जो है अगर वो ख़राब हो गई है, मतलब जहाँ पे हिंजेस लगती है वो पोर्शन अगर ख़राब हो जाए तो उसको किस तरह से रिपेयर किया जाता है। बहुत बार फ्रिज के डोर में ज़्यादा वजन रखने की वजह से नीचे का जो हिंजेस का पोर्शन है वो ख़राब हो जाता है, तो इस कंडीशन में हम या तो डोर बदल देते हैं या फिर किसी पुराने फ्रिज का लाके बिठा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसको एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन है जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों मैंने डोर को अभी उल्टा कर लिया है और आपको देखिएगा यहाँ से जो भी है ये फोम यहाँ से निकल गया है और ये जो प्लास्टिक का मटेरियल जो है यहाँ से ख़राब हो गया है। तो इस कंडीशन में सबसे पहले हमें ये जो मेटल का पोर्शन है इसको सीधा कर लेना है, इसको हम पक्कड़ से सीधा कर लेंगे। ये पहले जो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो लाइन है पहले से, इस लाइन में हमें इसको क्लियर करना है। ये थोड़ा सा बेंड हो गया है तो इसको पहले हम दोस्तों इसको पकड़ से आप ठीक से क्लियर होने के बाद दो से तीन चीज़ें लगेगी आपको। सबसे मेन बात है ये स्केल लगेगी आपको। इसके बाद ये जो हिंजेस है आपकी ये आपको सैंपल के लिए लगेगी, क्योंकि अब जब भी इसमें कितना बड़ा होल चाहिए ये हमें सैंपल के ज़रिए मालूम पड़ेगा। अब ये नीचे का जो हिंजेस था वो फिक्स था, इसलिए मैंने आपको ये टॉप का जो हिंजेस है, मतलब ऊपर का जो हिंजेस है उसका सैंपल मैं निकाल के लाया हूँ। इसके साथ ही नीचे जो है ये यहाँ पर फिक्स था, अभी अवेलेबल है इसलिए मैं इसको लगा रहा हूँ। अगर जब आप इसको रिपेयर करो, ये अगर गुम हो जाता है, अवेलेबल नहीं है, फिर भी आप इसको रिपेयर करोगे इजीली। वो कैसे मैं आपको बता दूँ, ये स्केल जो है हमने इसी के लिए ली है। जो ऊपर जो हिंजेस है उसको आपको नाप लेना है यहाँ से और उसी जगह पे सेम एंगल में इसको फिट होगा। इस तरह से हमें एम सील इसमें भरना है। तो अब मैं आपको इसमें एम सील भर के दिखाता हूँ और कैसा आगे का प्रोसेस है वो मैं बताता हूँ आपको। एम सील के जो दोनों पैकेट है अलग अलग, उसको मैंने मिक्स कर लिया है। ये आप अच्छी तरह से जानते हो कैसे करना है। तो इसको मिक्स करने के बाद आप अच्छी तरह से इसमें इसको प्रेशर से भर दीजिए, कई जगह खाली नहीं रहनी चाहिए। इस तरह से इसको आपको ऊपर तक भरना है, थोड़ा एकदम लेवल में भर के। इसका जो है ठीक से फिटिंग होगा नहीं, तो ये जो एम सील है ये यहाँ पे जो प्लास्टिक फाइबर है इसके ऊपर थोड़ा आना चाहिए, तो इसको थोड़ा ग्रिप मिलेगा और ज़्यादा समय तक ये काम आपका टिकेगा। अब यहाँ पे एम सील ठीक से लगाने के बाद ये जो यहाँ पे जो पोर्शन था इसका, ये मैं वापस लगा देता हूँ। अगर ये आपके पास नहीं है, मैं पहले बता चुका हूँ, फिर भी ये चलेगा। आपको बस यहाँ से ठीक से स्केल से आपको नाप लेना है। तो अब मैं इसको यहाँ पे वापस फिट कर दे रहा हूँ। दोस्तों इसके बाद आपको जो हिंजेस है वो लेनी है और बराबर जो साइज़ है उसी के अंदर आपको होल गिरा देना है। इसमें दोस्तों थोड़ा सा प्ले रखिए, एकदम ऐसा डाल के निकाल मत लेना, अंदर डाल के थोड़ा इसको घुमा के इसमें प्ले बना लीजिए ताकि वो मूवमेंट में इजी रहेगा। दोस्तों ये होल बनने के बाद अब मैं क्या करूँगा, और थोड़ा सा एम सील लूँगा और इसके आजू बाजू में पूरा भर दूंगा ताकि ये जो ग्रीफ है इसको प्रॉपरली मिलेगी और ये जल्दी निकलेगा नहीं। दोस्तों अब यहाँ पे मैंने और थोड़ा एडिशनल एम सील ले लिया है ताकि ये जो जगह है ये मैं कवर कर सकूँ। ध्यान में रखिए इस जगह पे आप ओवर मत कर देना, ये जो लेवल है दरवाजे की सेम रहनी चाहिए, नहीं तो यहाँ पे घिस घिस के निकल जाएगा। तो मैं जो भी करने वाला हूँ ये स्टॉपर के इस साइड में करने वाला हूँ जो कि उसको सिर्फ ग्रिप मिल सके।
तो दोस्तों अभी मैंने इसको अच्छी तरह से लगा दिया है एमसील को, अब इसको कम से कम 1 से 2 घंटा आप छोड़ दीजिए, मतलब अगर 1 दिन भी रख दो तो अच्छी बात है, नेक्स्ट डे में आपका फ्रिज का दरवाज़ा एकदम ओके हो जाएगा। तो दोस्तों बहुत ईजी प्रोसेस था। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि वीडियो में बताई गई बातें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, लेकिन आपके मन में फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपके सारे सवालों के जवाब ज़रूर दूंगा। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने टेक्निकल दोस्तों के साथ ताकि उनको भी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। दोस्तों अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो डालता रहता हूँ। दोस्तों मैं मिलूँगा आपको अगले ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।